जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व ओजोन दिवस पर 10 लाइन आसान शब्दों में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन है, विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरी लाइन है, 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 सितंबर को ओजोन दिवस घोषित किया था। तीसरी लाइन है, 16 सितंबर 1995 को पहली बार संपूर्ण विश्व में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। चौथी लाइन है, विश्व ओजोन दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ओजोन संरक्षण के लिए जागरूक करना है। पांचवी लाइन है, ओजोन परत समताप मंडल का एक हिस्सा है जो धरती की सतह से 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। छठी लाइन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यूवी रेडिएशन को धरती पर आने से रोकती है। सातवीं लाइन है, पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आठवीं लाइन है, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और समुद्री जीवन के नुकसान का खतरा पैदा हो सकता है। नौवीं लाइन है, ओजोन परत को नुकसान करने वाली सबसे खतरनाक गैसों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दसवीं और आखिरी लाइन है, ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ओजोन परत के क्षरण होने से बचाने के लिए हमें हर संभव कोशिश करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।